एवरीवन, मेरा नाम है सीरत बाजी एंड राइट नाउ आई एम परस्यूइंग मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर. मेरा फोर्थ सेमेस्टर चल रहा है. तो अगर मैं अपने बारे में बताना स्टार्ट करूं कि मुझे किस चीज़ के लिए जाना जाता है या कुछ लोग हैं जो मेरे किसी काम को बहुत पसंद करते हैं, तो वो है कि मैं डिबेट्स करती हूँ, मैं पोइट्री लिखती हूँ. उस चीज़ से थोड़ा सा जो है लोगों की निगाह में आई हूँ ज़्यादा. तो बिगनिंग से स्टार्ट करते हैं कि मेरा स्कूलिंग जो हुआ है वो आर्मी स्कूल में हुआ है. थोड़ा टाइम मैंने बोर्डिंग में भी गुजारा है और उसके बाद जेपी वर्ल्ड है छन्नी में जो स्कूल, वहाँ से मेरा स्कूलिंग हुआ है. और बचपन से ही राइटिंग का थोड़ा बहुत शौक था. हमेशा से ही कुछ ना कुछ जॉट डाउन करते रहना, कोई क्लास में टीचर अच्छा लग गया तो उसके बारे में कुछ ना कुछ लिख देना. एक एनुअल मैगजीन स्कूल्स की आउट होती है जैसे कि हम जानते हैं, तो उसमें हमेशा एक छोटा सा राइट अप दे देना या छोटी सी कोई पोएम ऐसे स्क्रिबल कर दे देनी. तो इस तरह से राइटिंग का सिलसिला स्टार्ट हुआ. और बोलने का हमेशा से पैशन था. कभी सीनियर्स को देखा ऑडिटोरियम में बैठ कर कहीं स्पीच करते हुए तो एकदम से फैसिनेशन के नहीं यार, मैं भी इस तरह से बोलना चाहती हूँ. उस तरह से वो एक जो बीज आप कह सकते हैं वो सीड सो हुआ था कि येस आई ऑल्सो वॉन्ट टू स्पीक लाइक दैट विद दैट कॉन्फिडेंस एंड ऑल. तो वो चीज़ डिबेट्स में पार्टिसिपेट करना स्कूल टाइम से स्टार्ट कर दिया. फिर आगे बढ़ते बढ़ते जब कॉलेज में एंटर हुई, और वो भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि मेरा 11th में आई डेंट वॉन्ट टू टेक अप साइंसेज. मेरा इंटरेस्ट नहीं था बिकॉज बिल्कुल भी साइंस की तरफ, एंड आई ऑलवेज वॉन्टेड टू लाइक डू समथिंग इन ह्यूमैनिटीज एंड लाइक दैट. बट मेरे पापा चाहते थे कि मैं मेडिकल एटलीस्ट 12th तक कर लूँ. तो मेरा एक कह सकते हैं आप उनके साथ एक साइन हुआ था ये कि पापा मैं 12th तक मेडिकल रखूंगी ओनली ऑन वन कंडीशन, अगर उसके बाद आप मुझे JKCET एंट्रेंस होता है आप मुझे वो नहीं प्रेशराइज नहीं करेंगे कि मैं वो दे दूँ. तो उन्होंने कहा फाइन आई वॉन्ट प्रेशराइज यू, डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, बट टिल 12th आपको रखना है साइंस. तो 12th तक रख लिया. उसके बाद फिर वॉन्टेड टू गो इन ह्यूमैनिटीज, और इंग्लिश में ज़ाती तौर पर बहुत इंटरेस्ट था, हमेशा से ही था. क्योंकि बचपन से ही जैसा आया कि मैं राइटअप लिटरेचर से बहुत मोहब्बत थी, सिर्फ इंग्लिश नहीं उर्दू रख लें हिंदी रख लें, तो लिटरेचर के लिए एक एफिनिटी थी मेरे अंदर, एक पैशन था मेरे अंदर. तो इसलिए मैंने इंग्लिश लिटरेचर चुना. एंड उसी साल अदरवाइज आई वुड हैव गॉन आउट, बट तब मुझे पता चला कि जम्मू में भी इंग्लिश ऑनर्स है, सो आई जॉइंड इट. कॉलेज के टाइम पे आई गॉट वेरी गुड अपॉर्चुनिटीज आई वुड से. आई एम वेरी थैंकफुल टू दी फैकल्टी इन दी गांधीनगर वुमेन कॉलेज बिकॉज आई हैव डन माय ग्रेजुएशन फ्रॉम देयर ओनली. तो बहुत सपोर्टिव फैकल्टी है. प्लस वहाँ आकर मुझे पता चला कि जो आज तक जो स्पीच वगैरह मैं स्कूल में करती थी एक थोड़ा सा कन्फाइंड होता है, वो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं आपके पास होता. बट व्हेन आई स्टार्टेड रिप्रेजेंटिंग माय कॉलेज देन आई रियलाइज्ड कि नहीं, दिस इज समथिंग वेरी बिग. आपके पास बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म आपको कॉलेज दे रहा है एंड यू ओनली हैव टू लाइक डिस्प्ले योर स्किल्स. तो वहाँ से वो स्टार्ट हुआ. Started participating in debates. Jammu University में display your talent होता है. That was my first year in college, I remember. With my teammate, we won the overall trophy. So that was a very big thing for me. And slowly and steadily, I like continued to climb that ladder. एक इवेंट दूसरा इवेंट, फिर नॉर्थ जोनल होते हैं यहाँ पर, सिल्वर रोलिंग ट्रॉफीज गवर्नर जब एन एन वोरा सर थे, तो काफ़ी जगह इंस्टीट्यूट किया है उन्होंने. तो आई वन दैट इन जम्मू यूनिवर्सिटी ऑल्सो, आई वन द टीम ट्रॉफी इन SMVDU कटरा ऑल्सो, आई वेंट टू कश्मीर ऑल्सो, वहाँ पर भी ये होता है. तो आई हैड वन क्वाइट अ फ्यू प्राइजेज बाय देन, एंड देन आई हैड लाइक डिवेलप दैट कॉन्फिडेंस इन मी दैट नो आई कैन स्पीक. एंड समवेयर आई वाज, दिस वाज समथिंग that was, you see, मुझे वो contentment मिल रहा था that no, I'm doing something जो मुझे सच में खुशी दे रहा है, और वो था speech. और उसके साथ साथ side by side मैं poetry लिखती थी. तो मैंने display talent में poetry का भी event होता है, वहाँ भी poetry करना start किया. I won prizes there also. तो I realized no, I can write well, maybe I can write well because people are liking it. तो उस हिसाब से graduation खत्म हुआ. So my parents wanted that maybe I should sit and study for civil services. So this is very important thing I would like to share with you all. कि बहुत से हमारी ज़िंदगी के बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारे पेरेंट्स हमसे कुछ चाहते हैं कि हम ये करें हम वो करें, और आप चाहते हैं कि नहीं आप कुछ और भी ट्राई करें. तो ये बड़ा एक स्पेशली व्हेन यू आर आउट ऑफ, फर्स्टली जब आप 12th करके निकलते हैं, सेकेंडली जब आप कॉलेज से बाहर निकलते हैं, तो यू आर वेरी कन्फ्यूज कि क्या ये मेरे लिए सही है या नहीं है.
अलबत्ता मेरा ग्रेजुएशन इंग्लिश ऑनर्स में था तो मुझे मास्टर्स, आई वांटेड टू कंप्लीट माय मास्टर्स, माय पेरेंट्स वांटेड दैट आई शुड सिट फॉर सिविल सर्विसेज, बट मैंने कहा नहीं, जब एटलीस्ट आई विल कंप्लीट माय स्टडीज टिल मास्टर्स, उसके बाद आई कैन थिंक ऑफ समथिंग एल्स. सो आई जॉइन मास्टर्स एंड तब तक मेरा थोड़ा सा ना वो मैं कहूँगी कि एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नाम बन चुका था, बिकॉज एक इवेंट होता है हमारा नेहरू युवा केंद्र का, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स अफेयर्स ये जो है ये चलाते होते हैं वो इवेंट, एंड दैट इज प्रोबेबली द बिगेस्ट इवेंट ऑफ इंडिया एज फार एज स्पीकिंग इज कंसर्न, क्योंकि इट स्टार्ट फ्रॉम द ब्लॉक लेवल, सो इट द वेरी ग्रास रूट्स लेवल. तो ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल, सो आई वन ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी फर्स्ट आया, स्टेट लेवल पर भी फर्स्ट आया, एंड देन I would say कि stars favored me by the grace of Almighty. मैं nationals में भी मेरा first rank आया, and then I was selected to represent India as a delegate in the Kingdom of Bahrain. So I would say it was in 2017 when I was 19 years old and I represented my country at an international platform, which was a very big thing for me because only 4 people were selected from all over India to represent the country there, and I was one of them, and I was the youngest amongst them, I would say. तो मेरा इंटरनेशनल इवेंट एक हो चुका था, मैंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लिया और उसके बाद यहाँ पर भी अपनी जो इंग्लिश लिटरेचर है तो पढ़ाई अपनी जो है वो कंटिन्यू की, और साथ साथ में डिबेट्स कंटिन्यू रहे, जोनल्स जीता, एक और नेशनल्स जीत लिया जिसमें इलोक्यूशन में भी मेरा प्राइज आया, प्लस डिबेट में तो गोल्ड मेडल आया नेशनल लेवल पर, और अब उसके लिए अगेन आई एम सिलेक्टेड फॉर रिप्रेजेंटिंग इंडिया एट द साउथ एशियन यूनिवर्सिटीज फेस्टिवल व्हिच इज गोइंग टू कमेंस ऑन 23rd ऑफ दिस मंथ ओनली. तो आई एम गोइंग देयर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कुरुक्षेत्र, तो वहां पर मेरा रिप्रेजेंटेशन होगा, आई विल बी रिप्रेजेंटिंग इंडिया. तो इस तरह से ये चीज चलता रहा. साइमल्टेनियसली आई थॉट के आई कैन नॉट लीव माई स्टडीज एट द बैक फ्रंट, नहीं मुझे स्टडीज को भी करना है, बिकॉज पेरेंट्स चाहते थे कि मैं सिविल्स ज्वाइन कर लूँ और सिविल्स के लिए एटलीस्ट प्रिपरेशन स्टार्ट कर लूँ, बट मैंने चुना कि मेरे को मास्टर्स भी करना है बिकॉज आई वॉन्टेड टू कम्प्लीट माई स्टडीज. तो मैंने थोड़ा सा पढ़ाई की तरफ भी उस चीज़ को मोमेंटो जो है वो बनाकर रखा. इट वॉज माई सेकेंड सेमेस्टर वेन आई क्वालिफाइड नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट जो एग्जाम होता है, एंड इन माई थर्ड सेमेस्टर आई क्वालिफाइड दी जे आर एफ एज वेल. तो अभी मेरा मास्टर्स मुकम्मल नहीं हुआ है, नेट जे आर एफ अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है, और मास्टर्स इज ऑन द वर्ज ऑफ कम्प्लीशन आई वुड से, बिकॉज जस्ट टू मंथ्स आर लेफ्ट, टू टू थ्री मंथ्स आर लेफ्ट व्हेन आई विल बी आउट ऑफ द यूनिवर्सिटी एज स्टूडेंट ऑफ मास्टर्स प्रोग्राम, एंड उसके बाद इंशाल्लाह आगे का आई विल डेफिनेटली गेट माई सेल्फ एनरोल्ड इन अ रिसर्च प्रोग्राम, एंड साइड बाई साइड आई विल सी वॉट द फ्यूचर होल्ड्स फॉर मी. तो जितना भी मैंने अपनी ज़िंदगी से इस वक्त तक सीखा है, अगर मैं अपने साथी लोगों को या फिर जो आजकल यंगस्टर्स हमारे हैं, मैं उनसे अगर कुछ कहना चाहूँगी अपनी, हालांकि अभी तो ज़िंदगी शुरू ही हुई है, अभी आगे बहुत सारे मरहले पार करने, बट उनसे मैं इतना ही कहूँगी कि लाइफ में कभी भी खुद को कन्फाइंड ना रखें, कभी भी इस तरह से खुद को ना बनाएं कि ये आपका दायरा है और आपको इस दायरे में सिमट कर ही सब कुछ अचीव करना है, बिकॉज यूनिवर्स इज फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, देर कैन बी सो मैनी प्लेटफॉर्म्स जहाँ पर आप खुद को साबित कर सकते हैं. तो इस वजह से खुद को कभी भी कन्फाइन ना करें, कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, कोई भी प्लेटफॉर्म मिलता है, तो यू सी गिव योर सेल्फ दैट चांस टू प्रूव योर सेल्फ. कभी भी कन्फाइन ना कर दें कि मेरा ये है तो मुझे यही करना है, मैंने अगर ये चीज़ में मैं अच्छा हूँ तो यही. गिव योर सेल्फ चांसेस, हर चीज़ में अपना मुकद्दर आजमाएं, खुद को फोकस्ड ज़रूर रखें, एक करियर गोल आप ज़रूर सेट करें, बट साइड बाई साइड कभी भी खुद को महदूद ना कर दें कि मेरा एरिया यही है, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता. हर चीज़ में आप एक्सेल कर सकते हैं, बिकॉज दैट्स हाउ द ह्यूमन बींग इज़ क्रिएटेड. आई वुड से अशरफुल मखलूक कहा जाता है, बेस्ट क्रिएशन ऑफ ऑलमाइटी कहा जाता है, बिकॉज वी आर दैट एंड वी कैन प्रूव आवर वर्थ इन ऑलमोस्ट ऑल द फील्ड्स. तो अपने से मैंने यही सीखा है कि ज़िंदगी में कभी भी महदूद ना करें, कन्फाइन ना करें, खुद के वर्थ को हमेशा प्रूव करने की कोशिश करें, एंड इवेंचुअली यू विल गेट वेयर यू एक्चुअली वॉन्ट टू गो.